गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आई यू आई होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड सेफ एट यूर होम टुडे इज योर इंग्लिश क्लास एंड वी आर डूइंग इंग्लिश चैप्टर नाइन्थ ए क्लॉक फॉर स्वेलोज क्वेश्चन आंसर ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वाज स्वेलो थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग अवे स्वेलो जो है वो उड़ जाना क्यों चाहता था देन सेकेंड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में है कि वाई वुड ही रिटर्न और वह कब आएगा तो स्वेलो विंकिंग ऑफ फ्लाइंग अवे ये पूरा क्वेश्चन में से ही है बिकॉज बिकॉज के यहाँ से आंसर आपका शुरू हुआ स्वेलो उड़ जाना चाह उड़ने की सोच रहा था क्योंकि इट वॉज़ विंटर यह जो यह जो समय था वो था सर्दियों का एंड इट वॉज टू कोल्ड फॉर हिम और वह उसके लिए इतना ठंडा था कि वह उसे सह नहीं पा रहा था एंड सेकेंड आंस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कि वह कब आएगा तो ही वुड रिटर्न नेक्स्ट स्प्रिंग वह अगले स्प्रिंग सीजन जब आ जाएगी है ना बसंत ऋतु जब आ जाएगी तब वह वापस आ जाएगा सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट वॉज गोइंग टू मैक्सवेलोज जर्नी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्या चीज स्वेलो की जो यात्रा थी वो लंबी और कठिनाईपूर्ण बना रही थी तो आंसर है इसका द स्नो स्टॉम वॉज गोइंग टू मैक्सवेलोज जर्नी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्नो स्टॉम जो है बर्फ का जो तूफान था वह उसकी यात्रा स्वेलो की जो यात्रा थी उसको कठिन और लंबी बना रहा था ठीक है थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड आउल एंड हिज फ्रेंड्स प्लान टू हेल्प स्वेलो आउल और उसके जो मित्र थे वो स्वेलो की मदद करने का किस तरह से प्लान कर रहे थे आंसर है आउल एंड हिज फ्रेंड्स प्लान टू हेल्प स्वेलो या पूरा क्वेश्चन में से आ जाएगा बाय मेकिंग ए क्लॉक टू कीप हिम वार्म ऑन हिज जर्नी आउल और उसके मित्र इस तरह से प्लान कर रहे थे कि स्वेलो की यात्रा अच्छी हो जाए वह उसके लिए एक क्लॉक बनाना चाहते थे जिससे कि वह उसकी यात्रा के दौरान गर्म रहे ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑर द बर्ड्स हेल्प आउल टू मैक द क्लॉक और कौन कौन से बर्ड्स थे जो यह स्वेटर या क्लॉक बुनने में मदद कर रहे थे आंसर एज द बर्ड्स दैट हेल्प्ड मैक द क्लॉक वह पक्षी हैं जो मदद कर रहे थे इस क्लॉक को बनाने में वह मैकपाई मैकपाई था आउल स्वान किंग फिशन एंड रॉबिन ओके फिफ्थ क्वेश्चन इज वॉट हैपन वेन द बर्ड्स वेन टू स्लीप क्या हुआ जब सारे बर्ड्स जो थे पक्षी जो है वो सोने चले गए वैन द बर्ड्स वैन टू स्लीप ये भी क्वेश्चन में से यह हो जाएगा स्लीप तक ओके okay. जब सारे पक्षी सोने चले गए तब मून स्प्रिंकल्ड हर मून बीम्स एंड वो दैम टील इट वॉज मॉर्निंग मून ने क्या किया चंद्रमा ने क्या किया कि अपनी रोशनी अपनी किरणों से उस क्लॉक को बुनना शुरू किया क्योंकि वो क्लॉक अधूरा था और सुबह हो चुकी थी और उसने पूरा बुन लिया था है ना सिक्स्थ क्वेश्चन व्हाट वाज द सरप्राइज क्या सरप्राइज था सरप्राइज ये था कि द सरप्राइज द बर्ड्स गॉट वाज दैट द क्लॉक वाज रेडी इन द मॉर्निंग पक्षियों ने पाया यह सरप्राइज़ कि क्लॉक जो था वो पूरा रेडी हो चुका था जो उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था एंड इट वॉज़ शाइनिंग विथ सिल्वर थ्रेड्स और वो चांदी के धागों जैसा चमक रहा था है ना तो यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं अब आप क्या करेंगे इसे अपनी कॉपी में उतार लेंगे ओके okay, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे